हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अभनपुर से राजिम गरियाबंद और देवबोग होते हुए उड़ीसा के लिए फोर लेन रोड पास हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह रोड पास हो चुका है और इस रोड का सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। अभी इस रोड में पेड़ों की कटाई चालू है। अब यह रोड कब तक स्टार्ट होगा इसकी अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस रोड की तैयारी चालू हो सकती है। आप देख सकते हैं ये अभी टू लेन रोड है, ये अभनपुर के पास। यहाँ पर पूरी अभी पेड़ों की कटाई हो रही है। एक तरफ एक साइड की कंप्लीट हो चुकी है पेड़ों की कटाई, दूसरे साइड की अभी बाकी है। यह नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ को सीधा उड़ीसा से कनेक्ट करता है। यह नेशनल हाईवे में अब ट्रैफिक अधिक होने के कारण इस रोड को फोर लेन बनाने का फैसला किया गया है। इस एरिया में राजिम और गरियाबंद का तेज़ी से डेवलप होने के कारण इस एरिया में अब ट्रैफिक बहुत अधिक होता है, इसलिए इस रोड का बनना ज़रूरी है। इस नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा फायदा देवभोग और गरियाबंद जिले के पिछड़े एरिया का होगा, जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। इस नेशनल हाईवे के बनने से डेवलपमेंट तो अच्छे से होगा ही, साथ ही यहाँ पर लोगों का भी अच्छे से विकास होगा। इस नेशनल हाईवे के बनने से राजिम और नौपारा के एरिया में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि इस फोर लेन रोड बनने से यहाँ के आसपास का एरिया में साफ सुथरा रहेगा और लोगों का विकास भी तेज़ी से हो पाएगा। इस नेशनल हाईवे में बस और ट्रक अधिक मात्रा में चलने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक अधिक रहता है, जिससे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस रोड के बनने से कम ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे नौपारा के लोगों को भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी शहर का अगर डेवलपमेंट करना है तो उस एरिया का सड़क का रोड स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जिससे उस एरिया का डेवलपमेंट तेज़ी से हो पाए। इसीलिए किसी भी शहर का मुख्य नींव उसकी सड़कें ही होती है, जिससे व्यापार आसानी हो सके और लोगों को फायदा हो सके। वैसे इस नेशनल हाईवे की बात करें जाए तो यह नेशनल हाईवे 7.5 मीटर चौड़ा होगा, जो कि इस शहर के डेवलपमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और यह शहर तेज़ी से ग्रो करेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।